नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी जिद छोड़े और जो हम कह रहे हैं उसके ऊपर वो चले। अच्छा, तो नवाज शरीफ को और इस मुल्क को फायदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप पे काम कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में भी आएंगे जाहिर है, मेरे बात उनसे ये पूछ रहे हैं जीडीपी से पहले आ चुके हैं। व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? इनको तो पता ही नहीं है। 70-80% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको जीडीपी का मतलब ही नहीं पता है। अच्छा, तो ये झूठ बोल रहे हैं कि 5.7 है, ये तो पूरी हुकूमत झूठ पे चल रही है। इस वक्त इकोनॉमिक देखें, जीडीपी आवाम को अगर अभी आपका शो अभी आवाम देख रहा होगा तो वो ये सोच रहा होगा कि पब्लिक को, आवाम को, गरीब को, जिसके पास इस वक्त सर्दी में गैस नहीं है, इस वक्त उनके पास जो है चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके बच्चे जो है बाहर नाश्ता करके स्कूल जाते हैं। आपने देखा कोविड का जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एनसीओसी का खासकर मैं कहूंगा जिस तरह डील किया है, किस तरह यानी 60% जो है वो बढ़ गया है, क्या हालात है। और सबसे बड़ी जो मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं इस वक्त, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ गवर्नेंस आपको हर जगह दिख रहा है, चाहे वो मरी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन में बढ़ रही हैं, उसका कोई परवाह नहीं। आवाम ये चीजें देखती है, अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी है तो आप एक्सपोर्ट करके इम्पोर्ट करके रिमिटेंस जो है क्यों मंगा रहे हैं? आप अपने ही शुगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इतनी आपको शॉर्टेज है शुगर की पाकिस्तान में, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका रेमिटेंस कहाँ जा रहा है? और मेरा सवाल है चेयरमैन नैप से, आप कहते हो कि 600 अरब रुपया आपने जो है चोर डाकू से निकाला है, 600 अरब है का किस ट्रेजरी में गए हैं, किस अकाउंट में गए हैं, ये तो जरा हमें पता चले ना। तो ये मतलब ये समझते हैं पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है ना वो जो है छोटे बच्चे हैं। आजकल तो 12 साल का बच्चा भी है उसको भी अगर आप पूछोगे तो वो कहेगा जी बिल्कुल महंगाई है और हालात है, क्योंकि वो भी बैठ के सोशल मीडिया में सारा दिन लगा हुआ होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।